लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मे बी फाइनल एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो हमारा पिछला पहले भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन जो है लोड कर दी गई, यदि आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, गेसेस क्वेश्चन लाए हैं। तो क्या है आज का क्वेश्चन को, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सभी को हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर डिजिटल्स क्लास, हमारे डिजिटल्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर्स जो एनआईओएस से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आज एक खुशखबरी है कि आपके क्लास में डिजिटल्स क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को गेस करके आप तक पहुँचाई जा रही है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एवरी टाइप का क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आप तक पहुंचाई जा रही, ताकि आपका फाइनल एग्जामिनेशन काफ़ी बेटर हो और काफ़ी अच्छी तरह से जाए। तो यहाँ जो प्रश्न उत्तर के साथ हम लोग बात करने वाले, इसको यदि पढ़ते तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और इसको लास्ट में आप जो है इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको। आप चाहिएगा तो इसको वीडियो को जो है, इस PDF को जैसे चाहिए उसी तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेक्शन में क्या आपके लिए रखा हुआ। वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम लोग जो है, हम लोग आ चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 502 के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग 502 के बारे में पढ़ेंगे। तो 502 में क्या क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखते हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन से यहाँ पर है, जो फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इकाई योजना किसे कहते हैं। इकाई योजना जो होता है वो किसे कहा जाता है, आंसर है होगा, इसका उत्तर है विषय विशेष के अधिगम उद्देश्यों पर आधारित एक शिक्षण अधिगम की सुनियोजित योजना, जिसमें इकाई की विषय सामग्री व अधिगम अनुभव को लेकर है, उसी को हम लोग योजना इकाई के नाम से जाना जाता, उसी को हम लोग इकाई योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यह है, विद्यार्थियों के समूह बनाने से क्या लाभ होता है। कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थियों को ग्रुप में किसी काम को करवाइए गया, ग्रुप में किसी को रखिएगा, तो उसमें क्या चीज़ का शिक्षा मिलता है, इसी के बारे में इसमें पूछी जा रही है। तो इसका आंसर होगा, जैसा हम जानते हैं कि जब विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं तो बेहतर सीखते हैं और प्रगति करते हैं। यानी कि एक तरफ से आप समझ लीजिए कि ग्रुपिंग डिस्कशन, जिसको GD क्लास के नाम से भी जानी जाती, GD क्लास एक वैसा क्लास होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट मिलकर किसी भी तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन हो या कोई कोर्स हो, उसमें क्या होते हैं बच्चों को, मान लेते हैं एक बच्चा को किसी क्वेश्चन को अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, पर दूसरे बच्चों को अच्छा से समझ में आ रहा है, तो उस बच्चा को उस अगला पर्सन जो है उसको समझाएंगे, फिर किसी और को उस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को फिर कोई और पर्सन उनको समझाएंगे। इस तरह से आपस में ग्रुपिंग करने से पढ़ने, यानी समूह में पढ़ने में काफ़ी लाभदायक होते हैं और काफ़ी वो चीज़ सीख लेते हैं, यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार का कौशल संज्ञानात्मक के विकास में सहायक होता है। इसका आंसर होगा, जैसा हम जानते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार 11 से 12 वर्ष की आयु तक, यानी कि 11 से जो 12 साल होता है किसी भी बच्चा का, उस वक्त ज्ञात एवं स्थूल वस्तुओं का ज्ञानेन्द्रिय हस्तकौशल संज्ञानात्मक के विकास में सहायक होता है। वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब कोई भी बच्चा 11 से 12 साल होता है, तब उनके पास जो है काफ़ी सहायक होता है कौशल संज्ञानात्मक विकास को, क्षमता को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कक्षा कक्ष किसे कहते हैं। कक्षा कक्ष अक्सर यह वर्ड हम लोग को देखने के लिए मिला होगा, जब हम लोग असाइनमेंट को बना रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी वर्ड आ रहा था, कक्षा कक्ष कक्षा कक्ष। तो क्या होता है कक्षा कक्ष, इसी के विषय में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखी गई है। तो इसका आंसर होगा, विद्यालय के एक कमरे में विशेष रूप से एक कक्षा की ही रचना की जाती है, तो उसे कक्षा कक्ष कहते हैं। यानी कि कोई एक कमरा, जैसे स्कूल गए तो विद्यालय में क्या होता है, बहुत सारा कमरा होता है, लेकिन विशेष रूप से
यानी कि विशेष रूप से मतलब कि खास क्लास होता है जिसको कहते हैं, तो उस खास क्लास का जब कभी भी कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है, रचना की जाती है, तो उसी को कक्षा कक्ष कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हर चीज का पढ़ाई हो या किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो तो उसी में ही उसी रूम में ही किया जाता है, उसी को हम लोग कक्षा कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसकी सक्रिय भागीदारी होती है? इसका सही उत्तर होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी होती, यानी कि कहा जा रहा है जब शिक्षण अधिगम का लिया जाता है तो कौन उसमें भागीदारी का जिम्मेदारी होता है, तो इसमें जो होता है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो होते हैं वही इसमें जिम्मेदारी होते। तो यह जो था पांच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 502 में था, यह क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF हम डाउनलोड करें और आप इसको ऑफलाइन भी पढ़ने चाहते हैं, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं, वहां पर लिखे होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली वन टाइम क्लिक करके। इससे क्या होगा कि आप जो है मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं, आप चाहिएगा तो इसको प्रिंट आउट करवा के इसको एक नोट्स के रूप में आप रख भी सकते हैं, जो कि काफ़ी आने वाले दिन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मददगार आपको मिलने वाले। तो यह PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि इस टाइप का वीडियो देखना आपको कैसा लगता हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसका आगे का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर एक बार दबा दें, उसके साथ साथ बेल का आइकन को भी दबाना ना भूलें, इससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा। और ऑलरेडी यदि आप सब्सक्राइब बटन को दबा दिए, बेल का भी आइकन को दबा दिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने जो है हमारा वीडियो को देख लिए होंगे, और देखने के लिए आपको जो भी अपना कीमती समय हमारे वीडियो में दिए, हमारा वीडियो को लाइक किए, हमारा वीडियो में एक थैंक्स लिख के कमेंट किए, दोस्तों के साथ शेयर किए, इन सभी को काम करने के लिए आप सभी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते एक कोई नई वीडियो के साथ।